नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जाने बिजनेस में आज कैसा रहेगा दिन, हेल्थ का कैसा रहेगा हाल, किसे नौकरी और करियर को लेकर आज मिल सकती है खुशखबरी, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन, इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अब जानते हैं 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास अषाढ़ है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज तृतीया तिथि सुबह 6:08 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज अशेषा सुबह 7:52 तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग सिद्धि सुबह 2:27 तक रहेगा, इसके बाद गतिपात योग लग जाएगा। आज चंद्रमा कर्क राशि में सुबह 7:52 तक गोचर करेंगे, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:30 तक होगा, आज चंद्रोदय सुबह 8:25 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 3:54 से शुरू होकर 5:38 तक रहेगा। अब जानते हैं 9 जुलाई 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। अधूरी योजनाओं को दृढ़ संकल्प से पूरा करें, किसी भी प्रकार काम में देर ना करें। सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको परिणाम प्राप्त होगा। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करें, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति का असर खुद पर पड़ने ना दें। लव लाइफ में आज आपके खाते में पुनः मिलन का योग है, आज आप अपने पुराने पार्टनर से मिल सकते हैं। आने वाला व्यक्ति आपको हैरत में डाल देगा। करियर के मामले में इस समय आपका काम अच्छा चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने काम में और अधिक सफलता चाहते हैं तो आपको विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए। इसकी मदद से आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल जाएंगे और आपके करियर में भी वृद्धि होगी। जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह की जरूरत पड़ेगी। किसी निवेश संबंधी मामले को लेकर आप उलझन में रहेंगे, ऐसे में कोई समझदार आर्थिक सलाहकार ही आपको सही सुझाव दे सकता है। उसे गौर से सुने और उस पर अमल करें। आज आप दर्द से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको आज पेन किलर लेनी पड़ सकती है। आज आपके सहन करने की क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए अपनी हेल्थ का आज ध्यान रखें और आराम करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार ग्रीन आपके लिए लकी कलर रहेगा। सुबह 10 से दोपहर 12 तक का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, एस्ट्रो योगी के ज्योतिषी वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण और अच्छे दिन की भविष्यवाणी करते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा की अनुकूल स्थिति के कारण आपके घरेलू और पेशेवर मोर्चे पर सब कुछ ठीक रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र पर आप अविश्वसनीय रूप से उत्पादक होंगे और आपको निश्चित रूप से उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। आज के दिन लव लाइफ में आप कुछ नए चेंजेस देखेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आज आपको प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी निराशा भी मिल सकती है। आप अपने प्यार के इजहार में घबराहट महसूस कर सकते हैं। अगर आपका संदेश ठीक तरीके से आपके पार्टनर तक पहुंच पाता है तो अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। करियर के मामले में आप में से कुछ लोग अपने शहर से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दें, क्योंकि अभी आप जहां काम कर रहे हैं वहीं आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आज के दिन आपको आर्थिक स्थिति के मामले में किसी के कहे में नहीं आना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। अब तक आपके अपने किए फैसले अच्छे ही रहे हैं, तो फिर खुद पर संदेह ना करें। हेल्थ के मामले में आज आपके लिए खुशखबरी है कि आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस इलाज को चलते रहने दें या नहीं, मगर ध्यान रहे आपकी जरा सी लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। आज के लिए सुबह 10 से 11:15 का समय शुभ रहेगा। सौभाग्य आकर्षित करने के लिए नीले रंग में कुछ पहने। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, सिंह राशि में चंद्रमा पर्सनल तौर पर सकारात्मक विकास के संकेत दे रहा है। आप किसी पर भरोसा करते हैं कि दुविधा के समय में आपको उसकी वजह से बहुत जरूरी आराम मिलेगा। किसी की सहायता और मार्गदर्शन वो पाठ हो सकता है जो आपको एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने और आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद कर सके।
एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप अपने आसपास के एक अद्भुत सपोर्ट के लिए आभार से भरे रह सकते हैं। लव लाइफ में अपने पार्टनर की खोज में आपका उत्साह चरम पर है। पिछले दिनों इस काम में आपको सफलता नहीं मिली, पर आज आपके होने वाले पार्टनर के पारिवारिक सदस्य आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में जरा भी ना हिचकिचाएं। वो अपने दिल से आपका हित चाहते हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे। आप इस बात को लेकर अपने दोस्तों से सलाह ले सकते हैं। अपनी माली हालत फिर से ठीक करने के लिए किसी समझदार या आर्थिक सलाहकार से सलाह लें। अपने खर्चों की भरपाई के लिए जरूरी है कि आप अलग अलग बजट से थोड़ी थोड़ी पूंजी जोड़ें और इस काम में कोई आर्थिक सलाहकार ही सही सुझाव आपको दे सकता है। आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। हेल्थ के मामले में पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। ध्यान रहे, लापरवाही ना करें। आप संतुलित भोजन करें। आपके लिए आज पीला रंग भाग्यशाली रहेगा। दोपहर 3:15 से शाम 5 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, आज आप खुद को भीड़ से घिरा हुआ पा सकते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा के आने से घर में लोगों का अकस्मात तांता लगना संभव मालूम होता है, लेकिन इसी के माध्यम से आपको अपने अतिथि सत्कार का कौशल दिखाने का अवसर भी मिल सकता है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी का कहना है कि आप इस अकस्मात सभा को बोझ समझने की बजाय इस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ कर निभाएं। लव लाइफ में उन्हें जो किसी पार्टनर की खोज में है सफलता मिलेगी। आप ऑनलाइन शायद विवाह संबंधी साइट पर पार्टनर के सहारे आपस में मिल सकते हैं। ये विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। करियर के मामले में आज आप अपने करियर को लेकर किसी करियर एडवाइजर से मिलने की सोचेंगे। आपका यह निर्णय बहुत ही सही है क्योंकि अब अपनी करियर संबंधी योजना बनाने का समय आ गया है। कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले दो बार आज सोचे। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह बड़े काम की होगी। यदि कोई बड़ी योजना शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, सही वक्त आने दीजिए। हेल्थ के मामले में हो सकता है आज आपको किसी बीमारी से निजात मिल जाए, आपका बीमारियों से पीछा छूट जाए। अच्छी सेहत से आज आप पाएंगे कि पाचन क्रिया भी पहले से अच्छी हो गई है। अच्छे कार्य करते रहें, अपने भोजन का ध्यान दें। शाम 6 बजे से 8 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नीला रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, चंद्रमा आज सिंह राशि में है। आपको लीक से हटकर सोचने की जरूरत है, कुछ अलग सोचिए। आज के दिन जीवन सामान्य निरस दिनचर्या से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे बदलाव भी आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। कोशिश करें और अपने दैनिक जीवन को मसाला देने के लिए कुछ नया लेकर आएं। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे बदलाव भी आपके जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आप अपने क्रिएटिव स्किल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों और साधनों का प्रयास करेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मक कौशल से वर्क प्लेस पर मुद्दों को सुलझाने के लिए समय पर कार्रवाई करें। आपके रोमांस की जिंदगी में आज खुशी के कुछ पल आ सकते हैं। आप उससे ऐसे हालात में मिल सकते हैं जैसे आपने सोचा भी ना हो। वो मिलने वाला पार्टनर दोस्त का दोस्त या आपका पूर्व परिचित हो सकता है। इन पलों में आनंद करें। इस रिश्ते को सहयोग के रूप में ही लें तो अच्छा है। आज विद्यार्थी अगर अपने करियर को लेकर किसी उलझन में है तो उन्हें किसी निपुण करियर सलाहकार से बात करनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप सही सलाहकार का चुनाव करें जो कि आपको अच्छी सलाह दे सके। इस सलाह का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। अपने आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। सोच समझकर अपने सलाहकार का चुनाव करें। आपको उसकी सलाह से अच्छी दिशा मिलेगी, गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। आज आपको काफी समय से चलती आ रही बीमारी परेशान कर सकती है। अभी वो आपको छोटी समस्या लग सकती है, मगर आज आपने इस बीमारी पर ध्यान नहीं दिया तो बाद में ये भयंकर रूप ले सकती है। आज के दिन सौभाग्य के लिए फिरोजी रंग पहने। शाम 6 से 7 का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। प्रिय कन्या राशि के जातक, आज आप अपने परिवार के साथ मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आज आप आराम कर पाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है
कि आज के दिन व्यक्तिगत मोर्चे पर आज आपको सामंजस्य और शांति मिलेगी। अपने परिवार की संगति में आनंद लें व हर संभव तरीके से आपका समर्थन करेंगे आपके घर वाले। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो आज ये संकेत है कि पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो सकती हैं। जिनके पार्टनर दूर रहते हैं आज मुलाकात हो सकती है। करियर के मामले में इस बात के संकेत है कि जो लोग किसी नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनको किसी निपुण ज्योतिष से सलाह मिल सकती है। अगर ये सलाह करियर से संबंधित होगी तो उनकी सलाह से आपको काफी फायदा होगा। अपने लिए कोई अच्छा ज्योतिषी ढूंढें और जानें कि वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। आर्थिक मामले में आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अपने आर्थिक सलाहकार की बात को भी गौर से सुने। हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना होगा। टीवी पर मशीन द्वारा दिखाई गई कसरत पर ध्यान ना दें। जितना आप जानते हैं वही करें। अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए नई डाइट फॉलो करें। ये अनुशंसा आपकी की जाती है कि आप इष्टतम परिणाम के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण योजना बनाएं। आज आपके लिए शुभ रंग पन्ना हरा रंग रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर आपको आशावादी महसूस करा सकता है। आज आप परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने काम में आप व्यवस्थित रहेंगे। आज के दिन जो काम आपको नहीं पसंद है वो ना करें। संतुलन बनाकर काम करें। निश्चित समय में काम पूरा करने की कोशिश करें। रोमांस की नजर से आपका ये दिन अच्छा है। आज आपको अपने पार्टनर के प्यार में बहुत खुशी मिलेगी। दिन के अंत में आपको लगेगा कि क्या ये सामान्य दिन तो नहीं था। आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी निपुण सलाहकार की सलाह की जरूरत होगी। सलाहकार का चुनाव करते समय सावधान रहें, कहीं आपको कोई गलत सलाह ना मिल जाए। वित्त से संबंधित कुछ बातों को जानने के लिए आप किताबों, अखबार या फिर नेट का सहारा लेंगे। आज के दिन अगर नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो उसका चुनाव कर लें। आज का चुनाव काफी संतोषजनक लगेगा। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। हेल्थ के मामले में आज आप शाकाहारी भोजन का रुख कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। आप इस चीज को आज महसूस करेंगे और अपने डाइट में प्रोटीन्स, न्यूट्रिशियस फूड ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे। दोपहर 2 से 3:30 का समय शुभ रहेगा। आज के दिन गुलाबी रंग आपके लिए लकी रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको किसी विशेष स्थिति में समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि आपको इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद के अंदर की आवाज को सुनना होगा। आज के दिन आपको अपनी हिम्मत से काम लेना होगा। सामाजिक कार्य हेतु किसी स्थान पर अगर आज आप निकलते हैं तो आपको एक खास व्यक्ति मिल सकता है। वो जगह कोई कॉफी शॉप हो सकती है या कोई बार हो सकता है। इस नए व्यक्ति के साथ आप डेट पर जा सकते हैं। इसके साथ रिश्ता बनाना आपके लिए रोचक साबित होगा। करियर के मामले में अगर आप अपने काम को लेकर सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आज के दिन आप अपने जीवन साथी से सलाह ले सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका साथी आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेगा और आपको एक अच्छी और सही सलाह देगा। आज के गलाकाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा के समय में आपको सलाहकारों से भी सतर्क रहना चाहिए। यदि आपने आज किसी से सलाह ली तो बाद में एहसास होगा कि उसने आपको गुमराह किया है। हेल्थ के मामले में आज आपको सेहत के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा खाना खाने से हो सकता है आपको जिम जाना पड़ जाए। आपको दिन भर के स्नैक्स पर नियंत्रण रखना होगा। लाल रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2:30 का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश आज आप पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज ये गोचर आपको रोमांच का अनुभव करा सकता है और आप खुद को फिर से तरोताजा करने की मनोदशा में हो सकते हैं। मित्रों के साथ समय बिताना चाहेंगे, ढेर सारी मौज मस्ती करना चाहेंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आज के लिए बस आराम करें। क्या आपको ये भी याद है कि पिछली बार आपने कब ऐसे आराम किया था, कब अपने लिए टाइम निकाला था?
लव लाइफ के मामले में आज आप रोमांस महसूस करेंगे और अपने सपने की खोज में रहेंगे। उसे आसपास खोजना बेकार है, आपका सच्चा पार्टनर कुछ दूरी पर है। इंटरनेट पर पार्टनर की खोज में सफल होंगे। करियर के मामले में ये समय किसी से सलाह लेने का है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज के दिन आपको किसी से सलाह लेनी चाहिए करियर के मामले में। आज किसी की सही सलाह आपके बहुत काम आएगी। जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन भाग्यशाली है। आज बिना किसी भाग दौड़ के मन चाहा घर मिल जाएगा। घर खरीदने के लिए अगर कर्ज लेना चाह रहे हैं तो आज आवेदन करना अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और स्नैक्स वाले खाने से आज दूर रहें। ताजा फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करें। अपनी आदतों को चेंज करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शाम 5 बजे से पहले का समय अच्छा रहेगा। क्रिम्सन कलर लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर आपको थोड़ा थमा हुआ महसूस करा सकता है। आप इस वक्त ये व्यक्त करने में विफल होंगे कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। आज आप अपने करीबी लोगों से थोड़ा अलग थलग महसूस करेंगे। ये वियोग और अलगाव इस कारण वश भी हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहे हैं। इस समय अपने आप को निराशा और तनाव से दूर रखें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार इस समय का इस्तेमाल अपने काम पर ध्यान देने के लिए करें और खुद को ऐसी चीजों में शामिल करें जो आपको खुशी देती हैं, जो चीजें आप एंजॉय करते हैं। लव लाइफ में आज अकेले लोगों को पहली डेटिंग पर जाने की संभावना दिखती है। आपका पार्टनर तुरंत मिलने वाला या पूर्व परिचित भी हो सकता है। आज के दिन लव लाइफ के मामले में चीजें अच्छी रहेंगी। करियर के मामले में इस समय आप बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, फिर चाहे वो कंपनी बदलना हो या संस्था के भीतर ही कोई बदलाव हो। अभी आपके दिमाग में किसी काम को लेकर बेचैनी बनी हुई है। बदलाव की संभावनाओं को लेकर आप उस उच्च अधिकारी से बात करें जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को परिवार के लिए नया घर खरीदने के बारे में सोचते हुए पा रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आज के दिन आपको घर के चुनाव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्थ के मामले में अपने खाने की आदतों को सुधारें, क्योंकि ये वो समय है जब आपको अच्छी सेहत की तरफ आप जा सकते हैं। इस पल को खुशी से जिएं और जिंदगी को एंजॉय करें। दोपहर 12:30 से 1:30 का समय शुभ रहेगा। चांदी रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप तनावग्रस्त और चिंतित महसूस कर सकते हैं। उन चीजों के बारे में चिंता करने के बजाय थोड़ा और आराम करने का प्रयास करें। अपने काम को ठीक से कर सकते हैं। कुछ ऐसा करें जो आपके आसपास के नेगेटिव वाइब्स को दूर करे। आज के दिन आपकी मुलाकात किसी ऐसे नए व्यक्ति से होगी जो आपसे चोरी छिपे प्यार करता है। वो आपको कॉफी पर बुला सकता है। आप देखेंगे कि आपका रिश्ता नया रूप ले रहा है। करियर के मामले में आज आपको लगेगा कि कोई आपको सही दिशा दिखा रहा है। ये कोई सलाहकार या फिर आपकी जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हो सकता है। ये व्यक्ति आज आपकी करियर संबंधी उलझनों को सुलझाने में मदद करेगा। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपको कुछ ऐसे इनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपको अपने सहयोगियों से कोई कीमती तोहफा भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी सहायता से आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए और आपका फायदा हो जाए। हेल्थ के मामले में क्या आपका ध्यान हमेशा अपने वजन की तरफ रहता है? अब वो वक्त आ चुका है जब आपको गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आवश्यकता पड़ेगी कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करें और चीजों को नजरअंदाज ना करें। आज आप अपने डाइट को सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 5 से 6 का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। भूरा रंग आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है कि आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आसपास सब कुछ व्यवस्थित रखें। आने वाला दिन व्यस्त रहेगा क्योंकि चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा और हर उस चीज पर ध्यान देना जो आपका ध्यान आकर्षित करती है ये मुश्किल साबित हो सकता है। परंतु आपके लिए ये उचित होगा, जितना मुश्किल लग सकता है उतना ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जीवन आपके लिए बेहतर हो जाता है जब आप अपनी भावनाओं को छिपाने की जगह
व्यक्त करते हैं। आज आप अपने रोमांस जीवन का आनंद लेंगे, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार करते रहे हैं वो आज आपको मिल सकता है। करियर के मामले में जहां तक करियर का या स्कूली शिक्षा की बात का सवाल है, तो आपको किसी अच्छे सलाहकार की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आज किसी अच्छे सलाहकार द्वारा दी गई सलाह से आपको मदद मिलेगी, इसलिए उनसे बात करने में संकोच ना करें, लेकिन ध्यान रहे कि सलाह किसी अच्छे सलाहकार से ही लें, ताकि आप किसी गलत राह पर ना चल पड़ें। व्यवसायिक रूप से किसी के साथ भागीदारी बनाना आज आपके लिए शायद लाभकारी ना हो, इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से हर पहलू की जांच पड़ताल करें। किसी भी फैसले से पहले आप अच्छी तरीके से हर चीज सोच समझ लें। हेल्थ के मामले में तले भुने चटपटे खाने से आज दूर रहना चाहिए, आपका पेट खराब हो सकता है। कोशिश कीजिए कि आप सादा और पौष्टिक भोजन करें। दोपहर 3 से 5 का समय शुभ रहेगा, लाल रंग लकी रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।